नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 नवंबर सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले के देशनोक थाना क्षेत्र में एक परिवार की छोटी बेटी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले बड़ी बहन शशि ने अपने ससुराल में सुसाइड कर लिया था। एक विवाहित भाई मनीष की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। इलेक्ट्रिक शॉप के मालिक दीपाराम के घर में मौत का सिलसिला इन 3 भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कैंसर से उनकी पत्नी संतोष की भी कुछ महीने पहले मौत हो चुकी है। देशनोक के बाजार में इलेक्ट्रिक की दुकान चलाने वाले दीपाराम की 17 साल की बेटी रेखा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घर वालों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। नाबालिग की मौत के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। रीट के कुछ परीक्षार्थी की ओर से OMR शीट बदलने की शिकायत के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपत्ति मांगना शुरू कर दिया है। राजस्थान अध्यापकता पात्रता परीक्षा 2021 के कुछ परीक्षार्थियों ने स्तर प्रथम की परीक्षा के दौरान स्तर द्वितीय की अथवा स्तर द्वितीय की परीक्षा के दौरान स्तर प्रथम की OMR शीट परीक्षा केंद्र पर दी गई थी। इसके बाद OMR शीट पर अपनी परीक्षा बुकलेट की सीरीज का अंकन गलत किया हो, ऐसे परीक्षार्थी अपनी आपत्ति रीट की वेबसाइट पर आज 8 से 13 नवंबर तक निःशुल्क दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र और OMR शीट की परीक्षार्थी प्रति को स्कैन कर रीट की वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। देश में पिछले साल आई कोरोना महामारी में हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा सदस्यों की मौत हुई। साल 2020 और इस साल आई त्रासदी ने लोगों की सोच को बदल दिया है। जिन पैतृक संपत्तियों का बंटवारा या नामांतरण परिवार के सबसे बड़े मुखिया के चले जाने के बाद होता था, वह अब जीवित रहते होने लगा है। यही कारण है कि पिछले 2 साल में बड़ी संख्या में रजिस्ट्री विभाग में गिफ्ट डीड और विल करवाने के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने आए हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना काल शुरू होने के बाद से गिफ्ट डीड और वसीयत नामे के मामलों में करीब 40% का इजाफा हुआ है। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो इस साल अब तक अप्रैल से अक्टूबर तक 10,770 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वसीयत नामे के रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि साल 2020 में वसीयत नामे 10,000 से भी कम थे। उदयपुर जिले की हिरनमगरी थाना पुलिस ने 10 दिनों पहले हत्या के मामले में फरार चल रही बहू को गिरफ्तार किया। आरोपी बहू ने 13 अक्टूबर को अपने जेठ जेठानी के उनके ससुराल जाने पर पीछे से सास को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया था और सास ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि गोपीलाल गमेती ने रिपोर्ट दी कि जब वह और उसकी पत्नी अपने ससुराल गए थे, तब उसके छोटे भाई डालचंद की पत्नी पुष्पा ने माँ जीवली के साथ मारपीट की और फावड़े से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुष्पा और उसकी सास जीवली के बीच जमीन बेचने से प्राप्त हुए रुपयों को लेकर आपस में आए दिन कहासुनी होती थी। सास द्वारा रुपये नहीं देने से बहू पुष्पा परेशान थी। दीपोत्सव में नई इबारत लिखे जाने के बाद वेडिंग इंडस्ट्री भी कारोबार का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस महीने शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा जो मार्च 2022 तक चलेगा। नवंबर से मार्च तक 34 शुभ मुहूर्त हैं। इस दौरान प्रदेश में 800 रॉयल वेडिंग समेत 17,000 शादियां होने की उम्मीद है। वेडिंग इंडस्ट्री का कारोबार 25% बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। कोरोना संक्रमण में कमी और राज्य सरकार की ओर से शादी में 200 लोगों के शामिल होने की छूट ने शादी वाले परिवारों मित्रों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। वे सबके साथ खुशियां बांट सकते हैं। प्रदेश के लगभग 13,000 मैरिज गार्डन दिसंबर तक बुक हो चुके हैं। लगभग 10,000 होटल और रिसोर्ट में से 90% की फरवरी तक बुकिंग हो चुकी है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 3 पर रोडवेज ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि कोलारी थाना क्षेत्र का रहने वाला 28 साल का युवक सुनील अपनी पत्नी सावित्री देवी को आगरा में एक डॉक्टर को दिखाकर वापस गाँव लौट रहा था। भवानी शंकर पूरा गाँव के पास तेज रफ्तार रोडवेज चालक बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। दंपति सड़क पर गिर गए। हादसे में सावित्री की मौत हो गई, जबकि पति सुनील का इलाज जारी है।
प्रदेश में कोरोना काल में घर घर में औषधीय पादप पहुंचाने के बाद सरकार ने अब स्कूल हर्बल गार्डन योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत प्रथम चरण में जयपुर जिले की 100 स्कूलों से जुड़ी जड़ी बूटियों से महकेंगे। जयपुर जिले की 100 स्कूलों में हर्बल गार्डन विकसित करवाने एवं 4 साल के लिए रख रखाव के लिए 53 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रथम किस्त की राशि 25 लाख रुपए स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को मिली है। स्कूल प्रशासन को औषधीय पादप का नाम, किस बीमारी में और उपयोगी भाग के बारे में जानकारी लिखना अनिवार्य है। इसमें कदम्ब, अशोक, अर्जुन, मौलश्री, कचनार, बुबुलू, हरड, बहेड़ा, विजसार, रीठा, वृजदंती, हरदजोड़, गुडमार, भृंगराज, मुलैठी, मीठा नीम, विलप, पत्थर चट्टा, सर्पगंधा की 28 प्रजातियों के 60 पेड़ लता लगाई जाएंगी। चित्तौड़गढ़ में गेहूं से भरा ओवरलोडेड ट्रेलर पलटकर खाई में गिर गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से बोरों को हटवाकर शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस का कहना है कि ट्रेलर में 40 टन गेहूं भरा था। काटा क्षेत्र के ढलान उतरते हुए ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया था। ड्राइवर ने बताया कि ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया था, इस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर में बैठे मजदूर संजय रामानंद निवासी बिहार, सत्यनारायण निवासी भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बस्सी के रहने वाले इकबाल की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 10,157 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती की घोषणा की थी। अक्टूबर में सरकार ने भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया। अब तक सरकार ने भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। छात्रों के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब तक सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होगा, तब तक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होने के 3 महीने बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ऐसे में जब तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, तब तक परीक्षा का आयोजन भी नहीं होगा। अजमेर जिले के अलवरगेट थाना क्षेत्र के नगरा 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस की टक्कर से मोपेड सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला का पति व 11 साल का पुत्र भी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी चालक रोडवेज बस लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि हादसे में हंटूडी निवासी संजना की मौत हो गई, जबकि पति अशोक व पुत्र चोटग्रस्त हुए हैं। तीनों मोपेड पर सवार होकर घर लौट रहे थे। नगरा के पास मुख्य मार्ग पर रोडवेज बस ने मोपेड को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में संजना उछलकर गिरी और बस का पिछला टायर उस पर चढ़ गया। पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।